स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, बसते रहो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम आपको लेकर आए हैं बाली नगर रेड लाइट के पास पिलर नंबर 367 के जस्ट अपोजिट। यहाँ पे है भाई सेफ स्काई किचन, और यहाँ की स्पेशलिटी जो है ना, वो स्पेशलिटी है इनके खाने में, और खाने में बहुत सारी आइटम है। मतलब इतना बड़ा मेन्यू है ना कि जहाँ तक आप देखोगे ना, वहाँ तक आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी। और जो यहाँ पे भैया, यहाँ के ऑनर है ना भैया, वो शेफ़ भी हैं, दुबई से आए हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो खुद ही यहाँ पे बनाते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं भैया के पास, देखते हैं किचन में कैसे आइटम यहाँ पे बन रही है, फूड टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। भाई ये हैं विदुर जी और ये हैं कवलप्रीत सिंह जी, जो कि चला रहे हैं सेफ स्काई किचन को। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाना बदोश में। तो सर कैसे दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि ये हम एक किचन यहाँ पे खोलें? सर एक्चुअली लॉकडाउन में, मैं लॉकडाउन से पहले एज अ शेफ जॉब कर रहा था दुबई में, तो लॉकडाउन में वापस आके मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ अपना शुरू करूँ, तो मैंने घर से अपना क्लाउड किचन शुरू करा। तो बस मेरा ऊपर टेरेस से शुरू करा, तो ऊपर की तरफ देखा तो स्काई दिखा, तो इसे मैंने सेफ स्काई किचन नाम रख के क्लाउड किचन स्टार्ट करा। तो उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और हमारा टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके बाहर हमने ये भी आउटलेट खोला। और यहाँ से सर एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि क्या पड़ेगी। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास, नियर बाय खेतरपाल हॉस्पिटल, ऑपोजिट पिलर नंबर 367, सेफ स्काई किचन। और टाइमिंग क्या है सर यहाँ पे? दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। और स्विगी जोमेटो दोनों पे? स्विगी जोमेटो पे दोनों पे अवेलेबल है। स्पेशलिटी बताओ भैया अपनी। माय स्पेशलिटी इस टाइम बटर चिकन स्प्रिंग रोल। बटर चिकन स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल। देखो जी, बटर चिकन स्प्रिंग रोल आपने कभी खाए हैं? अगर खाए हैं तो कमेंट करके बताना। हमने तो नहीं खाए, हम वो यहाँ पर खाएंगे और ट्राई करेंगे। और उसके बाद? उसके बाद हमारे पास वेज प्लेटर, वेज प्लेटर, वेज प्लेटर, नॉन वेज प्लेटर, चाइनीज प्लेटर स्पेशलिटी। तो जो जो चीज़ें इनके पास हैं यहाँ पर, ये जो चाइनीज आइटम बता रहे हैं, वेज प्लेटर बता रहे हैं, ये आपको मतलब और किसी जगह पे इतनी आसानी से नहीं मिलती। और एक चीज़ और भैया ने हमें बताई थी कि भैया ना यहाँ पे खुद ही कुकिंग करते हैं, क्योंकि ये ना दुबई में शेफ थे। तो अभी शुरुआत जो आपने करी थी वो खुद करी थी सारी की सारी, या साथ में मतलब जैसे कोई और शेफ वगैरह रखा था? सारी खुद करी थी, बट एक शेफ रखा था तंदूर के लिए, बस रोटियां निकालनी नहीं आती थी, बाकी सब कुछ आता पूरी किचन। अब वो रोटियां निकालनी आ गई भी यहाँ नहीं सब आता। अब कौन सी अपनी स्पेशल आइटम है जो आप चाहते हो कि हम यहाँ पे टेस्ट करें और अपने व्यूअर्स को बताएं? हम आपको अपनी सारी स्पेशल आइटम टेस्ट कराएंगे, क्योंकि अलग अलग की बजाय इसलिए हमने उन्हें प्लेटर में कन्वर्ट कराया कि बंदा एक बार में खा सके। हमारे कुछ स्पेशल आइटम है वेज में, जैसे दही के छोले, हरा भरा कबाब, वेज सीख कबाब, और नॉन वेज में हमारा अदरक की टिक्का और भरवा टंगड़ी। तो ये सब आपको एक ही प्लेटर के अंदर मिल जाएगा, तो आप वो सारी चीज़ें टेस्ट कर पाएंगे। और अलग से कुछ आइटम है जैसे बटर चिकन स्प्रिंग रोल और कुरकुरे मोमोज हो जाएंगे, तो वो हम आपको टेस्ट करवाएंगे आज। और हमारा मेन कोर्स के अंदर भी कुछ आइटम है स्पेशल, राड़ा चिकन, और आपको मटन मसाला टेस्ट करवाएंगे आज। तो भाई ये है सेफ स्काई किचन के ऑनर विदुर भैया और कवलप्रीत भैया। तो अभी चलते हैं इनकी किचन में, देखते हैं खाना कैसे बन रहा है और टेस्ट करके ना आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनने जा रहा है राड़ा चिकन। और ये भैया एक बात बताओ विदुर भैया, ये दुबई स्टाइल में होगा या इंडियन स्टाइल में होगा? है तो इंडियन स्टाइल में, बट थोड़ा सा दुबई का टच भी देंगे। अच्छा, थोड़ा दुबई का टच भी दोगे? हाँ जी, ठीक है भैया। कीमा रहता है चिकन का ही, चिकन कीमा जाएगा इसमें, इसको थोड़ा सा भुना जाएगा। हमारा चॉप मसाला रहता है, चिकन लेग, भैया टेबल पे ना खाना हमारी सज चुका है, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले क्या ट्राई करें यतिन? उससे पहले प्लेटर पे आते हैं, प्लेटर पे आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनके स्प्रिंग रोल ट्राई करते हैं, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे थे। चलो जी स्प्रिंग रोल पे शुरू होते हैं। तो भैया ये है इनके स्प्रिंग रोल, ये है जी चीज़ कॉर्न स्प्रिंग रोल। ये कॉस्ट है इसकी 160 रुपये की, और ये हमने क्वान्टिटी कम लगवाई है। ये देखो जी, ये आ जाओ, ये स्प्रिंग रोल आपको दिल्ली शहर में कहीं नहीं मिलेंगे। ये है बटर चिकन वाले स्प्रिंग रोल, ठीक है जी। ये देखो सारा का सारा बटर चिकन इसमें फिल हो रखा है। इसका प्राइस है 220 रुपये, 220 रुपये की भी क्वांटिटी हमने कम लगवाई है।
तो भैया ये ट्राई करते हैं, ये देखो फीलिंग देख लो अंदर पहले तो कितनी बढ़िया हो रखी है ये चीज़। और ये कौन की, अरे बाप रे, ये देखो हमने एक वीडियो करी थी थोड़े टाइम पहले, बटर नान स्लाइडर। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे इन्होंने भी किया, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं बटर चिकन वगैरह साथ में, मतलब कुछ ये चाइनीज़ टाइप की, तो एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। और भैया बात करूँ इनके चीज़ कौन स्प्रिंग रोल की, सबसे पहली बात जो क्रंच आ रहा है ना स्प्रिंग रोल में काफ़ी बढ़िया आ रहा है। अंदर जो फिलिंग हो रखी है ना चीज़ की और कॉर्नस की, वो काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो एक बढ़िया सा ना कॉम्बिनेशन बना रखा है और काफ़ी अच्छा ना इसका एक टेस्ट आ रहा है। और भैया ये जो वेज प्लेटर है ना, ये आप देख लो, ये कॉस्ट करता है जी 500 रुपये का। इसमें बहुत सारी आइटमें देखो, पनीर टिक्का, दही के छोले, और ये मशरूम है, सोयाबीन है, भरवा चाप है। तो मैं सबसे पहले यही ट्राई करता हूँ। ये देखो जी सबका फेवरेट, बहुत बढ़िया भाई। सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्टफिंग अंदर हो रखी है ना पनीर की, काफ़ी अच्छे से हो रखी है। और ज़्यादा ना ये नहीं कि मसालेदार बनाओ, एक नॉर्मल जो स्नैक्स होता है ना वो है भाई। शाम को अगर आपने स्नैक्स इंजॉय करने हैं ना तो ये बेस्ट है यहाँ पे। तो बढ़िया, एक बढ़िया पनीर होता है ना उस तरह का पनीर है, अच्छे से रोस्ट किया हुआ है, अच्छे से इसमें मसाले डले हुए हैं, मैरिनेट हुआ हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको वेज में चीज़ें खानी है इकट्ठी एक साथ, तो आप प्लेटर को मंगवा सकते हैं। तो भैया अब आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे। ये है जी हमारे पास कुरकुरे मोमोज। पहले तो मोमोज का साइज़ देख लो, ये देखो साइज़ देखो इसका, क्या बढ़िया साइज़ है। ये कॉस्ट है भाई इसकी 165 रुपये की। इसमें 8 पीसेज मिलते हैं, हमने सिर्फ 2 ही पीसेज लिए हैं क्योंकि है ना इतना खाया नहीं जाता। और ये है जी चिकन मोमोज, कुरकुरे चिकन मोमोज। और ये देखो अंदर चिकन की फिलिंग, अरे भैया क्या मस्त फिलिंग हो रखी है। तो ये ट्राई करते हैं जी। इसमें एक वेज कबाब की आइटम थी जो मैंने अभी खाई है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना तड़कती भड़कती चीज़, वो लगी मुझे, लेकिन काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी बढ़िया। अब बात करते हैं इनके मोमोज की, जो क्रंच है ना काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और जो अंदर इसमें चिकन डाल रखा है ना, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन्होंने मसाला ऐड ऑन किया हुआ है, वो एक ना बहुत बढ़िया फ्लेवर दे रहा है। क्या कहते हैं इतने, बहुत बढ़िया मज़ेदार भाई। मतलब इस जगह ना आपको चाइनीज़ में मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन में मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी वैरायटी है यार, बहुत लंबा इनका मेन्यू है। अब आते हैं इनके नॉनवेज प्लेटर। नॉनवेज प्लेटर ये आ गया जी हमारे पास इनका नॉनवेज प्लेटर। सबसे पहले तो नॉनवेज प्लेटर की अगर बात करें ना, तो ये कॉस्ट करता है 700 रुपये का। 700 रुपये में ना आपको बहुत सारी वैरायटी जो है ना वो टेस्ट करने को मिल जाती है। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे, तंदूरी चिकन है, अफगानी चिकन है, कबाब है, और अचारी टिक्का है, विंग्स है, विंग्स है, ये अदरक की टिक्का, इनका अदरक की चिकन टिक्का देख रहे हो, येलो येलो मैरिनेशन हो रखी है। सबसे पहले ना कबाब ट्राई करता हूँ इनके। कबाब की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे नॉर्मल कबाब होते हैं ना वैसे ही हैं। अगर यहाँ पे आप कबाब खाने हो ना, तो इतने ज़्यादा जूसी नहीं है, बट एक नॉर्मल है, एवरेज कबाब है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अदरक की टिक्का, इसमें अदरक का एक ओवर पावर फ्लेवर दे रखा है। जो इस टाइप का फ्लेवर खाना चाहते हैं ना उनके लिए बढ़िया है, बट मुझे कुछ ज़्यादा इसमें अदरक का जो फ्लेवर ना ओवर पावर लगा। अब इनके टिक्के की तरफ चलते हैं और मैं ट्राई करता हूँ जिनका ये अफगानी टिक्का। ये देखो जी मेरे पास आया ये तंदूरी चिकन, ये देख रहे हो रोस्ट बहुत अच्छे से हो रखा है। क्रीम का इस्तेमाल ना इसमें ज़्यादा किया हुआ है जो मुझे लग रहा है। तो एक ये ना बढ़िया है, बढ़िया अफगानी चिकन है। जो है ना लेमन, उसमें थोड़ा जार डाला हुआ है, मसाला डाला हुआ है, जैसे तंदूरी चिकन बनता है वैसे ही बना हुआ है, अच्छे से रोस्ट हुआ हुआ है। अगर तंदूरी चिकन खाना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये प्लेटर ले लोगे ना, तो आपको ना इसमें कई वैरायटियाँ मिल जाएंगी, 5-6 तरह की वैरायटी है जो यहाँ पे आप ना ट्राई कर सकते हो। तो भैया यहाँ पे हमने प्लेटर तो खा लिया, नॉनवेज और वेज भी। अब आते हैं भाई इनकी दाल पे। प्लेटर को थोड़ा सा पहले साइड कर देते हैं, ये रख दिया जी साइड में। ये है जी इनकी तंदूरी दाल, थोड़ी सी ये ठंडी हो गई है, बट ऊपर इन्होंने कस्तूरी मेथी वगैरह डाल रखे। और दाल का कलर देखो भाई कितना बढ़िया। ये कॉस्ट करती है 160 रुपये की, क्वान्टिटी इसमें भी हमने कम ली है। इसको ट्राई करते हैं अभी बटर नान के साथ। मैं लूँगा इसको चपाती के साथ, सिंपल सी तंदूरी रोटी के साथ। जो दाल मखनी होती है ना उससे थोड़ा सा हटके है, हटके इसलिए क्योंकि इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, प्लस जो इसमें मसाले ऊपर से इन्होंने डाल रखे हैं ना, चाहे वो कस्तूरी मेथी ऊपर से अलग डाल रखी है,
या और जो मसाले डाल रखे हैं उसका ना एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। तो भैया दाल मखनी खाने के बाद ना अब आते हैं जी इनके नॉनवेज मेन कोर्स में। ये है जी चिकन रारा इनका, ये हमने क्वांटिटी कम लगवाई है, वैसे हाफ का जो प्राइस है वो 350 रुपये है। और यार कलर देखो कितना बढ़िया है इसका, ऊपर से गार्निशिंग हो रखी है हरी मिर्च से, हरे धनिए से। चिकन रारा की अगर बात करूँ ना तो जो इसमें चिकन का कीमा डाला हुआ है ना भाई, वो काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी में डाला हुआ है, जो कि जब खा रहे हैं ना तो मुंह में ना काफ़ी बढ़िया इसका जो एक है ना चंक्स आ रहे हैं। और भाई चिकन जो है ना काफ़ी जूसी है, ऊपर से अगर इन्होंने जो क्रीम डाल रखी है ना इसमें, वो मतलब इतनी लो क्वांटिटी में डाल रखी है कि पता नहीं चल रही। जब ये बन रहा था तब आप लोगों ने देखा ही होगा कि इसमें क्रीम कितनी कम डाली थी। तो भैया एक जो मसालों का फ्लेवर है ना काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल अगर मैं चिकन रारा की बात करूँ ना तो भैया बेस्ट चिकन रारा ही है यहाँ पे अभी तक। तो दीपक ने ना बिल्कुल सही बताया इसके बारे में, अगर इन चीज़ों का आपने स्वाद लेना है, टेस्ट लेना है, तो आपको आना पड़ेगा रमेश नगर। जो भी इसका एड्रेस होगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है मटन मसाला। ये जी इनका मटन मसाला, रोगन देख रहे हो ऊपर कितना बढ़िया आया हुआ। और भैया ये कॉस्ट करता है 430 रुपये का फुल प्लेट, हमने लगवाया हाफ प्लेट। तो अब ये ट्राई करते हैं। ये देखो जी मटन, हाथ लगाया और गया, अरे वाह। और बिल्कुल फ्रेश मटन है, दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने पहले कई वीडियो में बता रखा है कि जितना पिंक मटन होगा ना उतना ही फ्रेश होगा। मटन को ना मसाले चाहिए थे थोड़े तेज, इसमें थोड़े कम है मुझे लग रहा है। दूसरी बात क्या है इसमें, बिल्कुल सही कहा यतीन ने, दूसरी बात क्या है, देखो मटन तो है सॉफ्ट बिल्कुल, मतलब ये लगा लो हाथ लगाए और टूट गया। और जो ये ग्रेवी बना रखी है ना, ये लटपटी ग्रेवी बना रखी है, इसमें प्याज का जो है ना वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ भाई, क्योंकि क्या ना थोड़ी सी मिठास आ रही है, मिठास आ रही है, जबकि मटन मसाला जो होता है ना थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे होता है। ओवरऑल बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट है ये। भैया ने ना हमें पहले ही बताया था कि भैया जो शेफ थे ना वो दुबई में थे, तो इन्होंने बोला था कि थोड़ा सा हम इंडियन टेस्ट देंगे, थोड़ा सा दुबई का टेस्ट देंगे। तो कुछ डिफरेंट खाना चाहते हो ना तो सेफ स्काई किचन पे आ जाओ, जो कि है बाली नगर रेलगेट पे। एड्रेस यतीन ने आपको बताया था, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप देख के आ सकते हो। तो कुल मिला के कुछ हाइट पे जो हमने मंगाई 4-5-6 चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें थी, बेस्ट चीज़ें थी। यहाँ पे अगर आपने खाना है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, ऐसे बैठ के भी खा सकते हो और आपको गाड़ी में भी सर्व हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इनके लड़के हैं सर्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो पता ना क्या करना दीपक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई इस वीडियो को ना दबा के शेयर कर देना। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जिसके आइडिया खाना बदोश भाई दीपक यतीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।